आसी नगर पालिका चुनाव को लेकर उपखंड कार्यालय पर वार्ड पार्षदों के नामांकन पत्रों की जांच में वार्ड नंबर 25 की भाजपा प्रत्याशी लीला देवी भील को लेकर कांग्रेस ने आपत्ति दर्ज कराई। इस मौके पर इस मामले की जांच को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में उलझ गए एवं एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए कहासुनी पर उतारू हो गए। चुनाव रिटर्निंग अधिकारी सीएल शर्मा ने इस संबंध में जांच कमेटी गठित कर मामले की जांच कर रहे हैं। देर शाम तक दोनों पक्ष अपने अपने साक्ष्य प्रस्तुत कर रहे हैं जिसको लेकर खासी चर्चा है। जानकारी के अनुसार कांग्रेस के कार्यकर्ता वार्ड नंबर 25 की भाजपा प्रत्याशी लीला देवी भील के नामांकन की जांच कर रहे हैं, लेकिन आप सूचना पर उप पुलिस अधीक्षक रोहित मीणा एवं सीआई महेंद्र सिंह शेखावत तथा बदनौर थानाधिकारी राजेंद्र ताड़ा में जाते मौके पर डटे हुए हैं। उपखंड अधिकारी सीएल शर्मा ने वार्ड नंबर 25 के भाजपा प्रत्याशी को लेकर जांच कमेटी गठित जिसमें तहसीलदार बैनी प्रसाद सरगरा, अधीक्षक अधिशासी अधिकारी तेजभान सिंह मीणा, सीडीपीओ भंवरलाल सैन मौके पर पहुंचकर वह मामले को लेकर जांच कार्रवाई कर रहे हैं। इस संबंध में दोनों पक्ष तथा उनके अधिवक्ता एडवोकेट रामस्वरूप शर्मा, तेजसवीर सिंह चुंडावत अपने अपने साक्षी निर्वाचन रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। देर शाम तक इस संबंध में जांच जारी है। कार्यालय में जो आज ये विवाद उपजा है सर, तो क्या घटना हुई सर, उसके बारे में जानकारी? घटना कुछ नहीं है, आज एक प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत फार्मों की जांच का कार्यक्रम चल रहा था और हमारे 24 फार्म कंप्लीट हो गए। 25 वार्ड नंबर 25 में लीला देवी भील जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी थी, उनको कांग्रेस के कुछ नेताओं ने गुंडागर्दी पूर्वक एक गुंडागर्दी करते हुए अंदर जाकर के एसडीएम साहब को बोला मौखिक कि ये लीला देवी नहीं है। हमने सारे एविडेंस पेश कर दिए, इन लोगों ने गुंडागर्दी की सीमा लांग दी। ये हमारी प्रत्याशी है लीला देवी, उसकी मम्मी है, उसको घर से उठा के ले गया है राजपुरा की झोपड़िया से गाड़ी में डाल करके, ये हमारे पास में घबराई हुई है। और जो हमारी प्रत्याशी थी उसके पति जो बालूराम उसका नाम है, उसको उसके साथ मारपीट करी, उसके कपड़े फाड़ दिए। प्रशासनिक जांच चल रही है, हमने प्रशासन ने जांच की मांग रखी, एसडीएम साहब ने एक कमेटी बनाई और कमेटी को सौंप दिया काम की इसकी जांच करे लीला है कि नहीं। जांच चल रही है, हम लोग शांति से पूर्वक बैठे हुए थे, लेकिन इन्होंने गुंडागर्दी पूर्वक मतलब सारी सीमा इन्होंने लांग दी और गाली गलौज पे और लड़ाई करने पे उतारू हो गए। मैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप चुनाव लड़ें, एक भील समाज जो पिछड़ा हुआ समाज है, आप क्यों नहीं मौका देना चाहते उनको चुनाव लड़ने का? आप जो आपके बराबर का है उसकी बराबरी करो, भील समाज वैसे ही गरीब जात है, आप इनको चुनाव लड़ने से क्यों वंचित रखना चाहते हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। तो अब आगे इसको लेकर कोई मामला दर्ज करवाने? मामला बिल्कुल हम FIR दर्ज कराएंगे, अभी जांच चल रही है उस फार्म की लीला देवी की, और अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा थोड़ी देर में, और उसके बाद अपहरण का हम इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे। जिन लोगों ने गुंडागिर्दी दिखाई है, गुंडागिर्दी पूर्वक इसको उठा के लेके आए हैं, हम थाने में जाकर के हमारी CI साहब से बात हो गई, CI साहब ने हमको आश्वस्त